फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है। गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, इससे फोन का स्टोरेज खाली होता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में जितने फालतू के ऐप्स हैं ना, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, टैप करना है, आपका एक ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद कर रखा है। अगर आपके फोन में ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है, आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।